और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां के अजमेर के चचियावास गांव में 22 वर्षीय एक युवक ने अपने खेत में नीम के पेड़ से फांसी लगाकर गुरुवार को सुसाइड कर लिया। गेगल थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त होने के बाद परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गेगल थाना पुलिस सुसाइड के कारणों को लेकर जांच कर रही है। गेगल थाना क्षेत्र के नरवर चौकी इंचार्ज ASI निसार खान ने बताया कि थाने पर चचियावास गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में लाश लटकी मिलने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण खेत पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बॉडी को पेड़ के नीचे उतारा, जिसके बाद उसकी पहचान चचियावास गांव के रहने वाले 22 वर्षीय देवकरण रेगर पुत्र रमेश रेगर से हुई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी खेत पर पहुंच गए। वहीं पुलिस को मृतक की जेब की तलाशी लेने पर उसका मोबाइल और 500 रुपए भी बरामद हुआ है। मामले में ASI निसार खान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आ रहा है कि मृतक देवकरण कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। सुबह जब घर से जानवर लेकर निकला तो उसने जानवरों को पहाड़ पर छोड़कर अपने खेत पहुंचा और पेड़ पर रस्सी से फांसी लगा ली। वहीं अब गेंगल थाना पुलिस सुसाइड के कारणों को लेकर जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। करीब आधे घंटे पहले चौकी पर इतला मिली कि देवकरण पुत्र रमेश जाति रेगर उम्र लगभग कोई 22 साल अपने पैतृक खेत के अंदर नीम के पेड़ के लटक कर और उसने फांसी का ली। मौके पे आए, बॉडी को नीचे उतरा लिया। उसके परिवारजनों द्वारा उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ की है तो कोई ऐसा अपराध नहीं या उसकी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।